गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। टुडे विल स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 6 इन 7 क्लास। नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडी अबाउट द फिजिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। वी स्टार्ट एन स्टडी अबाउट द चेंजेस। व्हाट इज अ चेंज? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। क्या है चेंज? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब चेंज होना ये क्या है, हमारा एक कुदरत का ही क्या है, नियम है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग ऑफ मतलब सीड टू प्रिपेयर प्लांट, है ना। एक छोटा सा सीड्स क्या करते हैं हम, एक बीज क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं अपने प्लांट्स में ग्रो, सॉरी सॉइल्स में ग्रो करते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम जो उन्हें देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो वो जो प्लांट, वो जो सीड्स है, पहले छोटा सा पौधा बनता है, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, कंप्लीटली प्लांट बन जाता है ना। उसी के अलावा सनराइज एंड सनसेट, ये सब क्या है हमारी, मतलब जो चेंजेस जो होती हैं हमारे नेचर में, वो सब चीज़ें है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब कि हर चीज़ में चेंजेस आना क्या है हमारा, ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर है। अब जो चेंजेस होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है टू टाइप्स की। हाउ मेनी टाइप्स? देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट वन इज अ फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज अ केमिकल चेंज, है ना। तो फर्स्ट वी आर स्टडी अबाउट द फिजिकल चेंज। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज क्या होती है। फिजिकल चेंज वो चेंज होती है, चेंज इन शेप साइज एंड स्टेट। ऐसी चेंजेस जो सिर्फ उसका शेप चेंज करता हो, उसकी साइज चेंज करते हो, उसकी अपीयरेंस चेंज होती हो, या उसकी स्टेट चेंज होती हो, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस, है ना। फिर उसके बाद में फिजिकल चेंजेस में होता है क्या, अब ये होता है स्टेट। स्टेट किसको बोलते हैं? स्टेट वो होता है कि जो मटेरियल जो हमारे पास होता है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में एंड गैस फॉर्म में, है ना। ये तीन स्टेट हमारे पास होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मतलब वो क्या होती है, अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी में चेंज होती है, तो सिर्फ उसके साइज में, या तो उसका साइज चेंज हो जाएगी, या फिर उसका शेप थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल अगर रोड लाइक शेप है तो ओवल शेप हो जाएगा, है ना। मतलब इस तरीके से हो सकता है, उसकी साइज इसमें बड़ी है तो इसमें छोटी हो जाएगी, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। सॉल्यूशन लिक्विड सॉलिड में था तो हमें लिक्विड में मिल गया, अगर लिक्विड सब्सटेंट हुआ तो हमें गैस फॉर्म में मिल जाएगा। इतना हो गया। सेकेंड उसका जो स्टेटमेंट है वो है केमिकल कंपोजिशन रिमेंस सेम। अब जिस मटेरियल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, रिमेंस सेम, मतलब केमिकल जो कंपोनेंट्स हो, कंपोजिशन होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस अक्रंस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम जो वाटर लेते हैं, वाटर का जो वाटर फॉर्मूला, जो मतलब आइस क्यूब लो, चाहे उस आइस क्यूब से चाहे वाटर बनाए हम, चाहे वाटर वेपर फॉर्म करें, लेकिन वो वाटर तो वाटर फॉर्म में ही रहेगा, उसका कुछ और तो कुछ बनेगा नहीं, इसीलिए वाटर से सॉल्ट तो बनने वाला नहीं है। तो मतलब ये क्या होता है, चेंज इन शेप एंड साइज ये सेम रहेगा। सेकेंड थिंग उसकी क्या है, केमिकल कंपोजिशन रिमेंस सेम, मतलब वाटर के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होंगे वो एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस अक्रेंस नहीं होगा, है ना। अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें फिजिकल प्रोसेसेस के दौरान जब ये रिएक्शन होते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यानी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आइस लिया है, आइस से वाटर बनेगा, वाटर से वेपर बनेगा, फिर रिटर्न बैक उस रिएक्शन को करेंगे तो वेपर से वाटर, वाटर से आइस क्यूब। तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस बना वाटर के अलावा? ये तो नहीं हुआ ना कि उस वाटर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गई, एसिड से वाटर बन गया है, मतलब वाटर से एसिड फॉर्म्ड हो गया है, या फिर वो एसिड वाटर से बेस फॉर्म हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। उसके टेस्ट में चेंज आया वाटर, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वाटर सॉर इन टेस्ट हो गया या फिर बिटर इन टेस्ट हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है उसी का क्या होता है, वही सब्सटेंस हमें रिटर्न बैक मिलता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड्स हमें नहीं मिलेगा,
ठीक है। अब जो फॉर नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज। क्या है? रिवर्सिबल चेंज। ये इसमें क्या होता है, चेंजेस जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, रिवर्स होती है। मतलब हमने क्या बनाया, आइस बनाया। यहाँ पे देखो मैंने आपको इस तरीके से इक्वेशन बना करके बताया। सबसे पहले हमने क्या लिया था, आइस क्यूब लिया है ना। आइस क्यूब को मैंने क्या किया, हीट किया, तो किस में फॉर्म्ड हो गया, वो वाटर में फॉर्म्ड हो गया। फिर मैंने अगेन वाटर को क्या किया, हीट दिया, तो किस फॉर्म में हो गया, वेपर फॉर्म में। फिर मैंने क्या किया, उसी वेपर फॉर्म वाले वाटर को मैंने क्या किया, कूल होने के लिए रख दिया। मतलब उसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा। तो जैसे मैंने उसको ठंडा होने के लिए रखा, वो क्या हो गए, फिर से वाटर बन गए, लिक्विड फॉर्म में आ गए। फिर मैंने और उसी वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखा है ठंडा होने के लिए, तो वो क्या बन गए, आइस क्यूब, है ना। तो यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि ये जो स्टेट थी, आइस क्यूब जो स्टेट थी वो किस में थी, लिक्विड की, आइस क्यूब जो स्टेट थी वो कौन सी थी, सॉलिड। फिर वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड स्टेट के अंदर। फिर उसके बाद ना वेपर किस में कन्वर्ट हुए, गैसेस स्टेट में। तो यहाँ पे मतलब स्टेट में भी चेंजेस आई है, लेकिन जो फिर अगेन हमने जो वाटर वेपर को फिर से हमने आइस क्यूब बनाया, तो वो जो आइस क्यूब था वो हमें वाटर फॉर्म में ही मिला, वाटर ही था, उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आया, ना उसकी अपीयरेंस में, उसको देखने में कोई चेंज हुआ, ना उसके टेस्ट में चेंजेस हुआ। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। और ये जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसका एक क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब जो ओरिजिनलिटी होती है जिस सब्सटेंस की, जो ओरिजिनलिटी होगी वही हमें क्या मिलेगा, रिटर्न बैक मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आइस क्यूब था, तो आइस क्यूब के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं हुई है, वो ओरिजिनल जो वाटर जो फॉर्म था, वाटर जो था, वो वाटर ही हमें मिला है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होती है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वही हमें क्या मिलता है, रिटर्न बैक मिलता है, हमें ओरिजिनल सब्सटेंस ही वापस मिलता है। अदर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को इसके बताऊं, तो मेल्टिंग ऑफ बटर, जो हम बटर अपने घर हाउस वगैरह में यूज़ करते हैं, पहले उसे हम मेल्ट करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर जितना यूज़ नहीं करते उसे हम क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो फिर वो हो जाता है मेल्टिंग, और वो जम जाता है, फिर से अपनी रियल पोजिशन पर आ जाता है। उसके बाद में स्ट्रेचिंग रबड़, रबड़ को चाहे कितना ही खींचो, लेकिन एक वक्त हम जब उसको रिलीज़ करेंगे तो अपनी सेम पोजिशन पर आ जाएगा। तो इसके अलावा अदर देन एग्जाम्पल्स आप लोगों की बुक्स में और दिए हैं, जो क्या हैं फिजिकल उसके चेंजेस के क्या हैं, अदर एग्जांपल्स है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, ये पॉइंट सभी क्लियर हुए होंगे कि वॉट्स के अंदर फिजिकल चेंजेस क्या होती है, ठीक है। अब फिजिकल चेंजेस के अलावा कुछ अदर प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जो फिजिकल चेंजेस में इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे ये चेंजेस जो होती है वो क्या होती है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, कि किसी भी तरीके का न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। और जो फिजिकल चेंज होती है ना स्टूडेंट्स, वो उसमें क्या होता है, कभी वो रिवर्सिबल भी होती है, और बहुत कम ही ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल यानी कि वो रिएक्शन फिर से फॉर्म्ड नहीं हो पाता है ना। ऐसा केस, इरिवर्सिबल वाला केस बहुत ही कम होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो चेंजेस होती है वो क्या होती हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। उसके बाद में पढ़ेंगे इस प्रोसीजर के अंदर हीट की ज़रूरत होती भी है और हीट की ज़रूरत नहीं भी होती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ ऐसे सब्सटेंस को हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, मतलब उसे गर्म वगैरह करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हमें हीट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट हीट दिए बगैर ही हमें हमारा सब्सटेंस क्या हो सकता है, फॉर्म्ड हो सकता है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि उसके दौरान इसमें क्या चेंजेस होती है, शेप, साइज, स्टेट, अपीयरेंस एक्सेट्रा। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो फिजिकल चेंजेस का जो पॉइंट्स है वो क्या हुआ, हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। सो वी आर स्टार्ट द टॉपिक केमिकल चेंजेस। अब हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, कि केमिकल चेंजेस होती क्या है। केमिकल जैसे हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ा है, उसी तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। केमिकल चेंज क्या होता है, जब जिस दौरान केमिकल चेंजेस होती है उस वक्त क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, कंपाउंड सब्सटेंस उसमें क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं ना, फॉर्म्ड
वन आर मोर सब्सटेंसेस, इसमें क्या होता है, इस दौरान में फॉर्म्ड वन आर मोर सब्सटेंसेस, मतलब एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस इसमें क्या हो सकते हैं, फॉर्म्ड हो सकते हैं। इसकी नेक्स्ट टॉपिक है इसका ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ गेट चेंज। इसकी जो अपनी खुद की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कर्डलिंग ऑफ मिल्क, हम जो दही दूध से जो दही बनाते हैं, हमने क्या किया है, दही लिए, दूध लिया है, दूध के अंदर हमने पिंच ऑफ एक स्पून हमने उसमें क्या ऐड किया, दही ऐड किया। जैसे ही हमने उसमें दही ऐड किया, आफ्टर अ फ्यू टाइम, मतलब कुछ वक्त के बाद जब हम देखते हैं तो हमारा जो दूध होता है वो क्या हो चुका था, दही बन चुका था, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी थी क्या हो गई, हमने लिया क्या था, दूध, और बना फाइनली हमें मिला क्या, दही। तो ये जो सब्सटेंस है इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो होती है मिल्क की, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, दही में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है ना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। इसमें क्या होती है, इरिवर्सिबल चेंजेस मतलब ऐसी चेंज जो एक बार जो फॉर्मेशन हो जाती है फिर दोबारा वो अपनी ओरिजिनल सब्सटेंस पे नहीं, जो ओरिजिनल सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर पाती है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर फिर से रिएक्शन रीअगेन नहीं होगा दोबारा। हम जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी में किया था यहाँ पे कि है ना, आइस से क्या बनाया था, वाटर से क्या बनाया था, वेपर। लेकिन इसी तरीके का रिएक्शन इस केमिकल चेंज के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो क्या है, सब्सटेंस फॉर्म दैट डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। ये क्या होता है, सब्सटेंस फॉर्म दैट डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है, मतलब जो भी सब्सटेंस हमें न्यू सब्सटेंस जो मिलता है वो किससे डिफरेंट होता है, ओरिजिनल वाले से। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि दही, दूध से हमें क्या मिला है, दही। पर दही की जो प्रॉपर्टीज थी, दही जो सॉरी जो मिल्क जो की जो प्रॉपर्टी थी और मिल्क का जो सब्सटेंस था वो डिफरेंट था, पर जो दही हमें मिला है उसका सब्सटेंस क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स जो कुछ भी फॉर्म्ड होता है वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी से क्या होता है, डिफरेंट होता है, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर देखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। अब ये जो इतना जो पार्ट्स है ना इसका रिएक्शन का, अब इसके अंदर ये हो गया कोल और ये हो गया ऑक्सीजन। अब ये फिर से तो फॉर्म्ड हो नहीं सकते, एक बार ये दोनों एक साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो दोबारा ये कार्बन डाई, ये क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन और कार्बन को सेपरेट इसमें से नहीं कर सकते। तो हमारा ये जो रिएक्शन वाला जो इतना जो पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और ये जो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इतना याद रखना, जब भी हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं एरो के इस साइड वाले इस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और उस तरफ वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ओके, और अदर एग्जाम्पल ऑफ इसके दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुकिंग ऑफ फूड। एक बार हमने जो अपना घरों में जो खाना वगैरह बना लेते हैं, जैसे दाल चावल राइस चपाती वेजिटेबल, क्या आप लोग फिर से उनको ओरिजिनल फॉर्म में लाते हो क्या, नहीं ला सकते ना। तो उसी तरीके से कुकिंग ऑफ फूड किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेस का। उसके अलावा सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क के अंदर खट्टापन आना, मतलब मिल्क से दही बनाना, ये किसका एग्जाम्पल है, चेंजेस ऑफ केमिकल, है ना, केमिकल इक्वेशन का। इसी के अलावा इसमें और भी क्या है, सब्सटेंस है, जैसे
ये इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल्स है जो आप लोगों की बुक में आपको क्या करना है, रीड करना है। इसके अलावा ड्यूरिंग केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस के दौरान वन और मोर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, फॉर्म्ड हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसकी जो न्यू जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। ये वाला रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसके अलावा इसमें हीट की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ये आप लोगों को अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।